क्षेत्र अंतर्गत में नहीं रुक रहा है भ्रष्टाचार। अधिकारी कर्मचारी हाथ धरे बैठे हैं। आखिर क्यों भ्रष्ट सरपंच सचिवों पर नहीं हो रही कार्यवाही? सरपंच अपने ही चार बेटों के नाम फर्जी मास्टर रोल भरकर कई बार राशि निकाल चुका है। जानकारी के मुताबिक 2015-2016 में सरई तहसील का निर्माण कराया जा रहा था, तब सरपंच सचिव द्वारा भारी संख्या में कीमती पेड़ काटे गए थे, जिसमें सागौन और लिप्टस के पेड़ बिना परमिशन के निजी स्वार्थ के लिए कटवा दिए गए थे। मनरेगा के तहत मजदूरों से अपने घर में काम करा रहा सरपंच और उनका वेतन पंचायत के नाम फर्जी मस्टोरल भरकर भुगतान किया जा रहा है। सरपंच सचिव रोजगार सहायक द्वारा पंचायत में अनियमितता भ्रष्टाचार जमकर किया जा रहा है। आरोप है कि सरई सरपंच अपने चहेतों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हैं, गरीब परिवार के लोग सभी योजनाओं से वंचित हैं। बताया जा रहा है कि पीएम आवास हो चाहे शौचालय, हैंडपंप, पानी की समस्या, सभी तरह से ग्रामवासी त्रस्त हैं। मनरेगा में फर्जी लोगों का नाम मस्टोरल में भरा हुआ है, जिसमें खुद पता नहीं निर्माण कार्य कहाँ हुआ है। शिकायतों के बाद भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पूरे 5 साल बीतने को हैं, यानी कि फिर से पंचायत चुनाव आने वाले हैं। भाजपा के राज के साथ ही अब कांग्रेस राज में भी भ्रष्ट सरपंच सचिव को किसी का डर नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन आखिर ऐसे लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहा, क्यों जांच नहीं हो रही? इनके कार्यों की ग्रामीणों ने मांग की है, जो भी दोषी हो उन पर कार्यवाही हो। सरई पंचायत में है। हाँ, हमारा पंचायत सरई है, जिला सिंगरौली है, मध्य प्रदेश की निवासी है, ठीक है। हाँ, और हरजन का ये बस्ती है, पूरा एरिया यहाँ हरजन बस्ती है। हरजन बस्ती है। सरपंच कौन है आपके यहाँ के? सरपंच है राम बालक। हाँ, सचिव? सचिव है रामधारी पंचा। हाँ, सहायक सचिव? सहायक सचिव अशोक तिवारी। प्रधानमंत्री आवास पंचायत से हरजन बस्ती में केवल एक आदमी को मिला है। केवल हरजन बस्ती में केवल एक आदमी को बस मिला है। हैंड पंप कितने मिले हुए हैं? हैंड पंप एक है, लेकिन न पता किस जमाने का गड़ा है, वो चलता 10-20 साल 25-30 साल से। अच्छा, पंचायत में काम करते हैं, काम करते हैं, मास्टर रोल में नाम ही नहीं आता है, तो क्या है? मास्टर रोल में नाम नहीं आता है, नहीं आ रहा है। काम यहाँ पे आप लोगों से कराया गया? हाँ, कराया गया, लेकिन इसका यहाँ किया करवाया, जिस रोड पर ठाड़ हुए हैं एक रुपया भी नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। यहाँ पे श्रमिक पंजीयन किसी का नहीं बना, किसी का नहीं हुआ, सभी लोग कागज जमा किए, लेकिन एक भी नहीं मिला, किसी भी व्यक्ति का नहीं बना। और रोड की समस्या यहाँ पे है या नहीं? रोड की समस्या है, हैंड पंप की समस्या है, लाइट हमारे यहाँ बिल्कुल रहता नहीं है, लाइट भी रहता है बस 1-2 घंटे रहता है, बस लाइट भी कट जाता है, 12 बजे रात लाइट आता है, 2 बजे कट जाता है, 2 घंटे में खत्म, और एक महीने में बिल आएगा 1800-1600 रुपए। सरपंच कभी आते हैं पंचायत यहाँ पे? जान साल में एक बार आते, जब से जीते हैं तब से आते हैं, केवल वोट मांगने आते हैं, वोट की समय पर प्रचार करने आते हैं। अच्छा, सचिव साहब से कोई सचिव भी नहीं आते, सचिव भी नहीं आते, सचिव से कोई मतलब ही, कोई मतलब ही नहीं ना, यहाँ आंगनबाड़ी आते हैं ना, आशा कार्यकर्ता आते हैं, कोई नहीं यहाँ, कोई कोई भी यहाँ आदमी नहीं आते हैं, कोई अधिकारी स्कूल बन गया उसका उद्घाटन करने सरपंच जी आए थे नहीं। अच्छा, जबकि स्कूल आज 2014 से लागू है और आज 3-4 साल हो गया स्कूल लागने, लेकिन सरपंच अभी उद्घाटन नहीं किया गया। क्या काम चल रहा है यहाँ पे? रोजगार गारंटी का। रोजगार गारंटी का? जी सर। किस पंचायत में है ये? मैं सरई में हूँ। सरई पंचायत। सरपंच कौन है? सरपंच केमले देवी दुबे जी है। सचिव? सचिव रामधारी पनाड़िया है, सहायक सचिव अशोक तिवारी। अशोक तिवारी। सूची 32 का दिया गया है, हम नहीं जानते मास्टर में कितना नाम है, नहीं मेरे को मालूम नहीं है, मास्टर मेरे को दिखा नहीं गया है, मास्टर को काम कराया जा रहा। आपके पास कितने लोगों की सूची है? मेरे पास 32 का है। अच्छा, और आपके जानकारी में है? हाँ, जानकारी में है। अच्छा, हाँ भाई काम तो करता है। अच्छा, आप भी काम करते हैं जी। राशि मिल चुकी है अभी एक बार? नहीं, एक हफ्ता का मिला है। एक हफ्ते का? अच्छा, कितने का पास हुआ है ये? हमारा 32-34 लेवर जो काम कर रहे थे पिछले डेट में, तो उनको पेमेंट एक हफ्ता का मिल गया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ये तालाब निर्माण हो रहा है? ये लघु तालाब रोजगार गारंटी के तहत हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो कितने का हो रहा है ये? हमारे पास एस्टीमेट, हमको जानकारी नहीं, न कोई पोस्टर बैनर लगाया गया, कुछ भी नहीं लगाया गया है। नहीं,